News 18, India. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली आवास हेमंत सोरेन की दिल्ली आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। 10 बार हेमंत सोरेन को पहले भी समन्स जारी किए जा चुके हैं। अब हेमंत सोरेन के दिल्ली में होने की खबर है और ईडी की टीम उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, क्या अपडेट मिल रही है इस वक्त? देखिए, पुलिस का सुरक्षा बल यहाँ पर और पहुंचा है। जो स्थानीय एसएचओ हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन के घर के अंदर ईडी की टीम गई है और बाहर सुरक्षा बल बढ़ाने का मकसद साफ है कि यहाँ पर लंबी पूछताछ हो सकती है उनसे, क्योंकि 27 से 31 जनवरी का समय मांगा गया था हेमंत सोरेन से कि उनसे पूछताछ कर सकती है ईडी, और उसके बाद से आज यहाँ पर ईडी की टीमें पहुंची है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी पुलिस बल जो स्थानीय थाने का है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन अंदर हैं और इसी वजह से अब ईडी की टीमें उनसे जो है यहाँ पर पूछताछ करी है, क्योंकि सोरेन के खिलाफ ईडी की जांच रांची के बदर इलाके में तकरीबन 7 एकड़ के आसपास की जो जमीन थी उसके एक पार्सल के स्वामित्व से जुड़े कथित भूमि घोटाले से संबंधित हो रही है, और इसी वजह से उनके शांति निकेतन जो दिल्ली का 5/1 आवास है यहाँ पर की गई है। ईडी की टीमें अंदर हैं और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त ना दी जाए और ना ही किसी को परमिशन है। इसके अंदर ईडी की टीमें आपको अंदर दिखाई देंगी, क्योंकि ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो हेमंत सोरेन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी वजह से उनसे पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुँची, क्योंकि ईडी ने इससे पहले 9 समन हेमंत सोरेन को दिए जा चुके हैं। वो उस समन के बाद ये कह रहे थे कि वो जरूर यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे 27 से 31 जनवरी तक का समय मांगा गया था कि उनसे ईडी कभी भी पूछताछ कर सकती है, इतना उन्हें समय देना चाहिए। और इसी वजह से उससे पहले वो अपनी व्यवस्था बता चुके थे कि वो कई जगह पर व्यस्त हैं और इसी वजह से ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन 27 से 31 जनवरी तय था और ये माना जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि पहले 31 जनवरी उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन आज सुबह अचानक ईडी यहाँ पर पहुंची है, जिसका मतलब साफ है कि उनसे पहले से ही बातचीत तय थी और वो समय मांगा जो गया था उसी तय मुताबिक यहाँ पर ईडी की टीमें उनसे पूछताछ कर रही है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूछताछ है वो इस वक्त अंदर जारी है, ईडी के अधिकारी अंदर है और ये कहा जा रहा है कि पूछताछ कितनी देर चलेगी इसके बारे में अभी तक कयास ही लग सकता है, लेकिन पूछताछ अंदर शुरू हो चुकी है और उससे पहले जो डिप्लोमेट है पुलिस का, महिला सुरक्षाकर्मी भी हैं और शादी वर्दी में हैं, और उसके अलावा जो पुलिस बल है पूरा यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा स्टाफ पुलिस का यहाँ पर पहुँचा है, ताकि क्योंकि मीडिया का जमावड़ा है और लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ सकती है। दूसरी तरफ झामुमो के बड़े नेता हैं, नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। सौरभ हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि कल हमने देखा कि बिहार में किस तरीके से सियासी संकट के बाद नई सरकार बनी है, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए आज के दिन को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ईडी शिकंजा कस चुकी है, लेकिन आज का दिन, आज के दिन के मायने आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण दिन तो है क्योंकि अभी हेमंत सोरेन जी और लालू यादव जी जिस प्रकार से जो है उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और सजा भी मिली है कोर्ट के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि लालू यादव जी जो है, देखिए जब भ्रष्टाचार की बात होती है ना किसी भी रैलियों में या हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी चुनाव में, तो लालू यादव जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है और जनता के बीच में भी बहुत पॉपुलर है। वो किस चीज के लिए पॉपुलर है? वो भ्रष्टाचार के नाम पे। वो किस चीज के नाम पे पॉपुलर है? वो चारा घोटाले के नाम पे। तो आप ये देखिए कि अगर आपको कोर्ट जो है या फिर प्रशासन आपको या फिर हॉस्पिटल के लोग आपको जो है सहूलियत दे रहे हैं, मैं आपका रुख करूंगी, मैं सीधे बिहार लिए चलती हूँ। आपको पटना से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए।